हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं पैदल चलने से कौन कौन से फायदे होते हैं। तो आज की दौड़ भागी जिंदगी में हम लोग अपने सेहत को ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, अपने लिए कुछ टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं और अपना सेहत का ख्याल भी नहीं रख पा रहे हैं। तो अपने सेहत को देखते हुए पैदल चलना बहुत ही जरूरी होता है और पैदल चलने से हमारी बॉडी फिट रहती है, हेल्दी रहती है और हमारे बॉडी का पूरा सिस्टम धीरे धीरे करके सही रहता है, मेंटेन रहता है। पैदल चलने से सेहत भी फिट बनी रहती है क्योंकि ज़्यादा आराम पसंद जिंदगी जीने से हमारी बॉडी की एक्टिविटी स्लो हो जाती है, इंटेस्टाइन भी स्लो काम करती है और भी सारे बॉडी फंक्शन जो है स्लो हो जाते हैं। तो इसलिए लाइफ की एक्टिविटी अच्छी नहीं रह पाती है। इसलिए पैदल चलना लाइफ में बहुत ही जरूरी है और किसी तरीके का बहाना न करते हुए पैदल अपने लिए टाइम जरूर निकालें और कम से कम पर डे आधे घंटे से एक घंटे तक जितना भी समय मिल सके अपने हिसाब से, और ज़्यादा परेशानी भी ना हो, इतना पैदल चलें कि ज़्यादा परेशानी भी ना हो। तो अपने हिसाब से टाइम मैनेज करके पैदल अपने सेहत के लिए अपने लिए ज़रूर चलें। तो आइए हम देखते हैं कि पैदल चलने से क्या क्या फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, पाचन तंत्र अच्छा रहता है और अगर मोशन नहीं पास होता है, देर तक उठ रहे हैं सो रहे हैं, देर में उठ रहे हैं सो के, तो बॉडी रेस्ट पोजीशन में ज़्यादा बनी रहती है और फिर मोशन अच्छे से नहीं पास होता है। इसलिए सुबह उठ के पैदल चलना बहुत ज़रूरी है। पैदल चलने से इंटेस्टाइन में जो है मूवमेंट होता है और उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और इस तरीके से मोशन पास होने में प्रेशर बहुत अच्छा से बन जाता है और मोशन पास हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत तुरंत ही रिजल्ट दिखता है पैदल चलने की। सुबह सुबह अगर प्रेशर नहीं बन रहा है और पैदल अगर चल के आ रहे हैं, मॉर्निंग वॉक करके आ रहे हैं, तो प्रेशर तुरंत बन जाता है। तो पाचन तंत्र में तो तुरंत ही इसका रिजल्ट दिखता है पैदल चलने के। तो पैदल चलने के फायदे पाचन तंत्र में यानी मोशन पास होने में बहुत अच्छा होता है और मोशन जब सुबह सुबह पास हो जाता है तो दिन भर हम फ्रेशनेस महसूस करते हैं, फ्रेश रहते हैं और अपने काम को अच्छे से हम अंजाम कर सकते हैं। दूसरा फायदा अगर हम देखें तो हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद होता है पैदल चलना, और हार्ट सही रहता है तो बीपी की प्रॉब्लम नहीं होने आती है, बीपी भी कंट्रोल रहता है, यानी ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा तो आदमी का मन अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा तो फिर सारी जो उसकी लाइफ की या जो उसकी डे की काम रहेगा, वर्क रहेगा, वो अच्छे से मैनेज कर ले जाते हैं। और पैदल चलने से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मेंटेन रहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने नहीं पाता है। जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा नहीं तो हार्ट की तमाम प्रॉब्लम नहीं होने पाती है, जैसे ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज भी कंट्रोल रहता है। अक्सर लोगों में देखिए कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और उसके बाद फिर ब्लॉकेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो पैदल चलने से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नॉर्मल में रहता है और जो है ब्लॉकेज हार्ट में या नसों में ब्लॉकेज नहीं होने पाता है, वो भी कंट्रोल रहता है। और पैदल चलने से एक और फायदे होते हैं कि इंसुलिन लेवल भी जो है मेंटेन रहता है, और इंसुलिन लेवल मेंटेन रहेगा तो ब्लड शुगर की या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं होने पाती है, और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम ना हो तो बॉडी बहुत फिट रहती है क्योंकि डायबिटीज़ हो जाने से फिर धीरे धीरे करके बॉडी में तमाम कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम होने लगती है, किडनी भी फेल्योर होने लगती है। तो डायबिटीज़ को बिल्कुल अगर हो गया है तो उसको मेंटेन रखें और नहीं हुआ है तो उसको ना होने दें, यानी पैदल चलते रहें। डेली में पैदल चलना बहुत ज़रूरी है और इस तरीके से पैदल चलने से वेट लॉस भी होता है, यानी वजन भी मेंटेन रहता है, बहुत ज़्यादा वजन नहीं भागने पाता है, पेट भी बहुत ज़्यादा नहीं भागने पाता है, मेंटेन रहता है। और वजन ज़्यादा ना होने से आप अपनी एक्टिविटी को, अपनी फिजिकल काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, एक्टिव रह के कर सकते हैं, कोई भी काम धड़ से उठ के हम कर सकते हैं। वेट ज़्यादा हो जाता है तो चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है और बॉडी भी स्लो होने लगती है। तो इस तरीके से
पैदल चलने के एक और फायदे होते हैं कि ये स्ट्रेस लेवल मेंटेन होता है, यानी पैदल चलने से जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं वो मेंटेन रहते हैं, नॉर्मल में रहते हैं, कोई टेंशन नहीं होने पाती है, ज़्यादातर कोई मानसिक तनाव नहीं होने पाती है, इस तरीके से मन प्रसन्न रहता है। तो स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करता है पैदल चलना, पैदल चलने से मन सही रहता है, स्ट्रेस नहीं होने पाती है। इस तरीके से बच्चों में भी पैदल चलना बहुत ज़रूरी होता है, उनके बोन के लिए, बोन स्ट्रांग होते हैं, पैदल चलने से उनकी एक्टिविटी अच्छी होती है, वो अच्छे से खेलते कूदते हैं, तो पैदल चलना बच्चों के लिए भी बहुत नितांत आवश्यक है। ज्वाइंट पेन के केस में देखें, यानी जोड़ के केस में देखें, तो पैदल चलना यहाँ भी जो है बहुत ज़रूरी होता है। पैदल चलने से जो जोड़ के, ज्वाइंट के टेंडन होते हैं, लिगामेंट होते हैं, वो सब वर्किंग में रहते हैं और अच्छी तरीके से काम करते हैं, तो जोड़ की प्रॉब्लम यानी ज्वाइंट की प्रॉब्लम नहीं होने पाती है। अगर और पैदल चलने से इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग बनी रहती है, इम्यूनिटी यानी इम्यून सिस्टम वीक नहीं होने पाता है, यानी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनी रहती है, और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहने से कोई भी प्रॉब्लम जल्दी से हमको नहीं होने पाती है, कोई बीमारी जल्दी से नहीं लगने पाती है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस जल्दी से हमारी बॉडी को अफेक्ट नहीं करता है। तो इसलिए पैदल चलना इम्यूनिटी के लिए भी फायदा होता है, यानी बॉडी की इम्यून सिस्टम अच्छी हो जाती है और बॉडी जल्दी से बीमार नहीं होने आती है। और पैदल चलने से लंग की कैपेसिटी अच्छी बनी रहती है, लंग अच्छे से काम करता है और सांस लेने में आदमी को बहुत आराम रहता है। इस तरीके से अगर हम पैदल चलते रहेंगे, लाइफ में पैदल चलते रहेंगे, तो हमारी बॉडी भी बिल्कुल से अच्छी तरीके से चलती रहेगी। अगर हम बैठक ले लेते हैं तो बॉडी भी बैठक की तरफ हो जाती है, यानी बॉडी फिर कम अच्छी से काम करती है, अक्सर बॉडी में फिर तमाम तरह के प्रॉब्लम होने आते हैं। तो इस तरीके से देखिए, जब तक हम अपनी बॉडी को खूब चलाते रहते हैं, खूब दौड़ भाग करते हैं, काम करते हैं, तब तक हमारी बॉडी एक्टिव बनी रहती है, और फिजिकली जब तक एक्सरसाइज करते रहते हैं, जब तक काम करते रहते हैं, तब तक हम बहुत फिट बने रहते हैं, हेल्दी बने रहते हैं। जहाँ पे थोड़ा सा हमको आराम मिल जाता है, फिर जहाँ पे हम आराम पसंद जिंदगी जीना पसंद करने लगते हैं, तो हमारी बॉडी में फिर तरह तरह की प्रॉब्लम आने लगती हैं। इसलिए ये है कि हम अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा चलाना है उतना ज़्यादा चलाते रहें, अपनी बॉडी को जितने मूवमेंट में रखेंगे उतने ज़्यादा हम अच्छी, हमारी बॉडी को, हमारी लाइफ अच्छे से चलती रहेगी। तो इस तरीके से पैदल चलना बहुत ही ज़रूरी है। पैदल चलने के लिए टाइम निकालना, अपने सेहत के लिए टाइम निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। ओके।